दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 2022 के आईपीएल के टीम स्क्वाड की। इस बार आईपीएल में 10 टीमें खेलेंगी। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मुंबई इंडियंस की। तो मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को रिटेन किया है 16 करोड़ रुपए में। नंबर दो पर जसप्रीत बुमराह को रिटेन किया है 12 करोड़ रुपए में। नंबर तीन पर सूर्य कुमार यादव को रिटेन किया है 8 करोड़ रुपए में। वहीं नंबर चार पर किरण पोलार्ड को किया है 6 करोड़ रुपए में। अब हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की। उन्होंने नंबर वन पर रिटेन किया है ऋषभ पंत को 16 करोड़ रुपए में। नंबर दो पर अक्षर पटेल को 9 करोड़ रुपए में। नंबर तीन पर पृथ्वी शो को 7.5 करोड़ रुपए में। नंबर चार पर एंड्रिच नोटेज को 6.5 करोड़ रुपए में। अब हम बात करेंगे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की। नंबर वन पर विराट कोहली को 15 करोड़ रुपए में। नंबर टू पर ग्लेन मैक्सवेल को 11 करोड़ रुपए में। नंबर तीन पर मोहम्मद सिराज को 7 करोड़ रुपए में। अब हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की। इन्होंने रिटेन किया है नंबर एक पर रविंद्र जडेजा को 16 करोड़ रुपए में। नंबर टू पर एमएस धोनी को 12 करोड़ रुपए में। नंबर तीन पर मोइन अली को 8 करोड़ रुपए में। नंबर चार पर ऋतुराज गायकोंडे 6 करोड़ रुपए में। अब हम बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स की। इन्होंने रिटेन किया है नंबर एक पर संजू सैमसन को 14 करोड़ रुपए में। नंबर दो पर जोस बटलर को 10 करोड़ रुपए में। नंबर तीन पर यशस्वी जायसवाल को 4 करोड़ रुपए में। अब बारी आती है सनराइजर हैदराबाद की। इन्होंने रिटेन किया है नंबर एक पर केन विलियमसन को 14 करोड़ रुपए में। नंबर दो पर अब्दुल समाद को 4 करोड़ रुपए में। नंबर तीन पर उमरान मलिक को 4 करोड़ रुपए में। अब हम बात करते हैं केकेआर की, कोलकाता नाइट राइडर्स की। इन्होंने नंबर एक पर रिटेन किया है रसेल को, जो कि 12 करोड़ रुपए में किया है। नंबर टू पर किया है वरुण चक्रवर्ती को 8 करोड़ रुपए में। नंबर तीन पर किया है वेंकटेश अय्यर को 8 करोड़ रुपए में। नंबर चार पर सुनील नारायण को 6 करोड़ रुपए में। अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं लखनऊ की, जो कि इस आईपीएल की नई टीम है। इन्होंने अभी अभी केएल राहुल को पिक किया है 17 करोड़ रुपए में। वहीं दूसरे नंबर पर मार्केस स्टोइनिस को 9.2 करोड़ रुपए में। वहीं तीसरे नंबर पर रवि बिश्नोई को 4 करोड़ रुपए में। इस आईपीएल की दूसरी नई टीम है अहमदाबाद। इन्होंने अभी अभी हार्दिक पांड्या को पिक किया है 15 करोड़ रुपए में। दूसरे नंबर पर राशिद खान को 15 करोड़ रुपए में और तीसरे नंबर पर शुभमन गिल को 8 करोड़ रुपए में। तो दोस्तों ये थी 2022 के आईपीएल की 10 टीमें। तो अब हम बात करेंगे किस टीम के खाते में कितने पैसे बच रहे हैं। मुंबई इंडियंस के खाते में बच रहे हैं 48 करोड़ रुपीस। अहमदाबाद के खाते में बच रहे हैं 52 करोड़ रुपीस। चेन्नई सुपर किंग्स के खाते में बच रहे हैं 48 करोड़ रुपीस। दिल्ली कैपिटल्स के खाते में बच रहे हैं 47.5 करोड़ रुपीस। केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स के खाते में बच रहे हैं 48 करोड़ रुपीस। लखनऊ जो कि नई टीम है, उसके खाते में बच रहे हैं 59 करोड़ रुपीस। पंजाब किंग्स, इसके खाते में बच रहे हैं 72 करोड़ रुपीस। बेंगलोर, इसके खाते में बच रहे हैं 57 करोड़ रुपीस। राजस्थान रॉयल्स, इसके खाते में बच रहे हैं 62 करोड़ रुपीस। हैदराबाद, इसके खाते में बच रहे हैं 68 करोड़ रुपीस। तो दोस्तों पंजाब किंग्स के पास सबसे ज्यादा बची राशि है। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि पंजाब किंग्स सबसे बड़ी बोली लगा सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं 2022 के टीम्स के कैप्टन्स के बारे में। तो महेंद्र सिंह धोनी रहने वाले हैं कैप्टन ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। ऋषभ पंत रहने वाले हैं कैप्टन ऑफ दिल्ली कैपिटल्स। केएल राहुल रहने वाले हैं कैप्टन ऑफ लखनऊ। रोहित शर्मा रहने वाले हैं कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस। संजू सैमसन रहने वाले हैं कैप्टन ऑफ राजस्थान रॉयल्स। केन विलियमसन जो कि कैप्टन रहने वाले हैं सनराइजर्स हैदराबाद। और दोस्तों केकेआर, पंजाब किंग्स और बेंगलोर के पास अभी कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि कैप्टन की दावेदारी घोषित करता हो। दोस्तों 2022 के आईपीएल से एक दुखद खबर आने वाली है। वो ये है कि 2022 में हमें हेनरी गेल यानी कि क्रिस गेल खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? आप किस आईपीएल टीम को जीतते हुए देखना चाहते हैं? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।